आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से ग्रहों के प्रभाव से वस्तुएं खो जाती हैं और खोई हुई चीज़ें कब मिल जाती हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोगों के हाथ से चीज़ें गुम होती हैं और फिर मिल जाती हैं, अचानक कोई लौटा देता है, तो ऐसा कब होता है कि खोई हुई वस्तुएं मिल जाती हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी चीज़ें खोती हैं लेकिन खोने के बाद मिल जरूर जाती हैं। सामान तो खोता है, सामान्य सी घटना है, किसी का भी सामान खो सकता है, लेकिन बहुत बार बहुत लोगों का ऐसा होता है कि सामान कितना भी खो जाए लेकिन देर सवेर उनको चीज़ें जरूर मिल जाती हैं। कब होता है ऐसा? जब चीज़ें सोमवार को या बुधवार को खोती हैं तो उनके मिलने की संभावना बहुत होती है। सोमवार को अगर कोई चीज़ खोए, बहुत संभावना है कि वो चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। या बुधवार को खोए, तब भी उस चीज़ के वापस मिलने की संभावना बन जाती है। अगर कोई चीज़ खो जाए और उस चीज़ के खोने पर आप उसका उपाय कर दें तो भी वो चीज़ मिल जाती है। चीज़ों के खोने पर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। रुमाल में सिक्का बांध के रखा जाता है, दूब में गांठ लगा दी जाती है, महिलाएं अपने साड़ी के कोने में गांठ लगा लेती हैं। ऐसे तमाम छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं जिन उपायों को करने से खोई हुई चीज़ें अक्सर मिल जाती हैं। जब चीज़ों के खोने पर उपाय कर दिया जाए तो चीज़ें मिल जाती हैं। जब कोई चीज़ खो रही हो, खो गई हो, उस समय अगर बृहस्पति बलवान है या बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, बृहस्पति का शुभ प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में चीज़ें खोने के बावजूद ज़रूर मिल जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बृहस्पति यानी गुरु किसी भी चीज़ की मुश्किल को अकेला दूर कर सकता है, तो जब गुरु बलवान हो या गुरु की दृष्टि हो और उस समय अगर चीज़ें खोएंगी तो चीज़ों के मिलने की संभावना ज़रूर होगी। चीज़ें आपको मिलेंगी जब बृहस्पति का प्रभाव हो। अगर आपकी साढ़े साती या ढैया उतर रही हो, जब चल रही हो तो चीज़ें खो जाती हैं, लेकिन जब साढ़े साती उतरने लगे या जब ढैया उतरने लगे तो लंबे लंबे समय से खोई हुई चीज़ें आदमी को मिल जाती हैं। साढ़े साती या ढैया उतरने पर खोई हुई चीज़ों के मिलने की संभावना बहुत होती है। तो साढ़े साती या ढैया उतर रही हो, आपकी कई चीज़ें गायब हुई हों, उस समय ठीक से प्रयास करिए उतरती हुई साढ़े साती में या उतरती हुई ढैया में चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध 5 के अंक से हो, 7 से हो या 9 से हो, यानी अगर आपका मूलांक 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो आपकी चीज़ें खोने के बाद ज़रूर मिल जाती हैं। 5, 7 या 9 वालों के साथ ऐसा देखा गया है कि खोई हुई चीज़ें थोड़े से प्रयास से इनको ज़रूर मिल जाती हैं। वैसे तो 5, 7, 9 वालों की चीज़ें खोती भी कम हैं, लेकिन अगर खोती हैं तो इनको खोने के बाद वस्तुओं के मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंगलवार को महिलाओं को सुहाग की सामग्री नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, मंगलवार का जो दिन होता है
वो मंगल ग्रह से संबंधित होता है। मंगल को एक सेपरेटिव प्लेनेट मानते हैं, विच्छेदनकारी ग्रह, उपद्रवी ग्रह मानते हैं, और सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि मंगल का विवाह और वैवाहिक जीवन पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो प्रभाव अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मंगलवार के दिन विवाह से संबंधित वस्तुओं को खरीदना और उनकी शुरुआत करना अच्छा नहीं माना जाता। विवाह के बाद मंगलवार को विदाई करना भी कहीं कहीं पर अच्छा नहीं मानते। तो महिलाओं के लिए बेहतर होगा कि अगर कोई श्रृंगार सामग्री, सिंदूर, बिंदी या चूड़ी खरीदनी हो तो आप बृहस्पतिवार या सबसे बढ़िया होगा शुक्रवार के दिन खरीदें तो बहुत अच्छा। आज हम चर्चा कर रहे हैं खोई हुई वस्तुओं के पीछे ज्योतिष का क्या कनेक्शन है, कौन से ग्रह इसमें रोल अदा करते हैं, कुंडली का कौन सा भाव इससे प्रभावित होता है। पंडित जी, कई बार जैसे सोना खो गया, चांदी खो गया, तो जब वस्तुएं खो जाती हैं तो उसके पीछे संकेत क्या होते हैं, क्या शुभ संकेत होते हैं, क्या अशुभ संकेत होते हैं? देखिए, शगुन शास्त्र में या शकुन अपशकुन में ये बताया गया है कि अगर कोई चीज़ खोती है या अगर आप कोई चीज़ अचानक पा जाते हैं तो इसका संकेत होता है आने वाले समय के बारे में, ये शुभ अशुभ संकेत देते हैं। तो सामान के खोने का या पाने का क्या संकेत होता है वो भी समझते हैं। चीजों का खोना या चीजों का अचानक मिल जाना ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है। चीजों का खोना भी बताता है कि आपके ग्रहों में क्या अच्छा बुरा है, और चीजों का मिलना भी ग्रहों की स्थिति में बताता है कि आपके लिए क्या अच्छा बुरा है। सोने का खोना यानी गोल्ड का खोना शुभ नहीं होता। अगर सोना खो जाए तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में कोई बड़ी मुश्किल आ सकती है, किसी बड़ी समस्या के लिए तैयार रहें। लेकिन सोने का मिलना शुभ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोने का खोना भी बुरा होता है और सोने का मिलना भी बुरा होता है। नहीं, सोने का खोना तो खैर बहुत ही बुरा होता है, लेकिन सोने का मिलना शुभ होता है। अगर आपको गोल्ड अचानक से मिल जाता है, सड़क पे गिरा हुआ मिल गया, कहीं ऐसे ही मिल गया, अगर सोना मिल गया तो जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन, जो परिवर्तन अच्छा होगा, ये आपके जीवन में होने वाला है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।